लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अनिल कपूर के सलमान के शो में किया ऐश्वर्या का जिक्र, सलमान के रिएक्शन का वीडियो हुआ वायरल। सलमान खान का शो इन दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल पिछले दिनों इस शो की TRP लगातार गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से इस शो को अब वीकेंड पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही शो में अब केवल सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट ही दिखाई देंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम अनिल कपूर का जुड़े जा रहा है। अनिल कपूर इस शो में अपनी फिल्म फर्ने खान का प्रमोशन करने पहुंचे। फिल्म में अनिल के साथ राजकुमार राव और ऐश्वर्या राय की भी अहम भूमिका है। हाल ही में इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला रहा है। आपको बता दें, अनिल कपूर फिल्म में उनकी बेटी की भूमिका निभाने वाली पेहू सलमान खान के शो 10 कदम में पहुंचे थे। हालांकि शो में ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव नहीं पहुंचे। प्रोमो में दिखाया गया है कि अनिल कपूर अपने स्टाइल में शो में एंट्री करते हैं, फिर जब फिल्म की बात होती है तो अनिल ऐश्वर्या राय का जिक्र करते हैं। जैसे ही ऐश की बात होती है, स्टूडियो में बैठे दर्शक जोर जोर से शोर मचाने लगे। ऐश का नाम आते ही सलमान खान का रिएक्शन देखने लायक होता है। ये एपिसोड 28 जुलाई को प्रसारित होना है। यहाँ देखें प्रोमो। फन्ने खान फिल्म में पूरे 18 साल बाद ऐश और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आएगी। इस फिल्म में अनिल कपूर एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, जो सिंगर बनना चाहता था। अपन अपनी बेटी के द्वारा अनिल अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। इस फिल्म से अतुल मांजरेकर और निर्देशक अपने करियर की शुरुआत करेंगे। फिल्म में राजकुमार राव की भी मुख्य भूमिका है। ये फिल्म 3 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।